ये साइज मैंने लिया है 1920x1080, 1920x1080। तो अगर मैं इसको दोबारा से देखना चाहूँ यहाँ पे, अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 1920 इसको 2 कर देता हूँ, परफेक्ट। 1920x1080 ये HD वाइल्ड स्क्रीन का साइज हो गया है, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से एक टीवी LCD में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं करना सिखाता हूँ, ठीक है। पहले नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक्सेलेट करेंगे, कैसे? कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे। अगर रिंग में गलती से कहीं किसी अदर ऑब्जेक्ट में चले जाए रिंग की जगह, तो वापिस से आप ये डॉट दिख रहा है गोल सा, इस पर जैसे ही लेके आएंगे ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा, ठीक है। फिर से रिंग में जाएंगे, एज रिंग यूटिलिटी आ गया। अभी तक आपने किया है कि इसको मल्टी कर सकते थे डायरेक्ट, अब आप कर सकते हो शिफ्ट के साथ बेवल मारोगे तो भी ये दूर हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा कमांड लग जाएगी, बस दूरी तय हो गई, कितनी रहनी है हमारी मर्जी है, ठीक है। यहां से भी इतनी ले लेते हैं, सेम वही शिफ्ट के साथ बेवल, आर किया, डिस्टेंस तय तैयार करते हैं लगभग। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट हो गया, हाँ ठीक है। अब हमें देखने को मिले कि हमारे जो हाइट और विड्थ है, जो इधर का साइज है हमारा, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये इक्वल रहते हैं, लेकिन नीचे वाला नहीं रहता, नीचे वाला थोड़ा बड़ा रहता है। क्या रहता है? थोड़ा सा बड़ा। तो फेस पकड़ा यहां से कहां तक, यहां तक डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप इसको पूरा सेलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर सकता हूँ, तो मैंने कहा यार 1920x1080 का साइज खराब हो जाएगा, तो ठीक है। तो फिर एक काम कर सकते हैं, क्या इस एज को सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, अब तो साइज नहीं खराब हुआ ना, ये साइज सेम हो गया। अब हमारे ऊपर होता है कि हम कितना साइज लेने, कितना नहीं लेना है। यहाँ पे डेल लिखूंगा अभी नहीं, ठीक है। डेल, लॉजिटेक, जो भी लिखना चाहे आपकी पर्सनल इच्छा है, ठीक है। तो मैं प्रॉपर पूरा दिखा रहा हूँ कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ फेस पकड़ेंगे, सबसे पहले शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हो, और मुझे यही एक्सट्रूड दोबारा करनी है तो मैं जी कमांड दबाऊंगा, सिर्फ जी। जी से क्या होता है, एक और अब टाइम एक्सट्रूड कर सकते हो, ठीक है। ले लिया, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये एक्सट्रूड हो गया, ठीक है। हमारा बिल्कुल बिल्कुल सीधा है, अगर चाहो तो स्ट्रेच भी कर सकते हो, चाहो तो सीधा भी ले सकते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है, इसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैंने ये एक छोटी छोटी शेप बना दी, अगर मैं पीछे से देखूं तो हल्का सा ये कर्व शेड में पीछे से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से फेस लग पकड़ सकता हूँ, डब्लू किया, थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच सकता हूँ, दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको खींचता हूँ, जो कि मैं आर कर दूं अगर बाद में इस तरह से, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब मैंने इसकी एज लगाई यहाँ पे सिंपल, पर एक चीज ध्यान रखें कि मैं इसको नहीं करना चाहता, क्यों? क्योंकि कुछ जगहों पे ये सीधा भी है, क्योंकि जहां पे केबल्स लगी होती हैं, चीजें लगी होती हैं, वहां पे सीधा भी तो है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक एज और लगाऊंगा, ये लगा सकता हूं इसकी मदद से, या फिर सीधा मैश टूल में जाऊंगा, इंसर्ट एज टूल, और मैंने ये दे दिया, मैंने कि ये मेरा कॉलम हो गया, किसका, कोई भी चीजें लगानी हो तो उसके लिए, ठीक है। अब मैंने रिंग दिया सिंपल, बेवल किया, और ये मेरे हिसाब से बीच में शेप हो गया, बराबर बराबर आया है। इतने से एरिया में मैं स्पेस के अंदर अपना सीक्वेंस सेट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अब मैंने इसको पकड़ा, फिर से शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड कर सकता हूँ, थोड़ा सा आगे की तरफ कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने कहा एक काम करता हूँ, एक्सट्रूड कर लेता हूँ इतना, ठीक है। अब इसको कितना शेप पे रखना है, मैंने छोटा कर लेते थोड़ा, ठीक है। अब ये वाला शेप है, ये वाला शेप है, ये एक्सट्रूड हो गया, लेकिन ये एक्सट्रूड नहीं है, ये क्या है, ये सीधा है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को थोड़ा सा ऐसे लेके आ सकता, लेके आ सकता हूं, उस कंडीशन पे मुझे क्या करना चाहिए जिससे बिल्कुल सही हो जाए। तो मैंने क्या किया, इन सभी को इस साथ कनेक्ट कर लेता हूँ वन टाइम, ठीक है, ध्यान से देखना, वैसे खींचा, ठीक है, लगभग इतना किया, इसको पकड़ा,
शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड कर सकता हूँ अंदर की तरफ, समझ में आ रहा है? और फिर ये फेस सेलेक्ट किया, डिलीट, ये डिलीट, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, ठीक है? और इसको एज को, इस एज को किधर के साथ ब्रिज कर दिया, नीचे वाले के साथ क्या किया, ब्रिज, ठीक है? और एक एज लगाई यहां पे, रिंग लग गई, ये क्या बन गया, शेप बन गई ना, इसको किया ब्रिज, ट्रायंगल खत्म हो गया। आ रहा ना समझ में कुछ? देखो हमारा काम भी हो गया और स्ट्रेट भी हो गया, समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एज पे गए, रिंग लगाया, सेम चीज, ठीक है? मैंने पूछा कि कितने, इसके दो हिस्से बांटने, एक में केबल्स लगानी है, एक में वो लगाना, पावर इधर वो है उधर वो है, मर्जी है आपकी क्या लगाना चाहते हो, आपकी पर्सनल चॉइस, ठीक है ना? तो मैंने अगर एक एरिया तैयार कर देता हूँ, मैं कैसे एज लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये देखो रिंग इस तरह से लगेगा, लेकिन मैंने क्या किया, इसका एरिया बस इतना ही छोड़ दिया, आप बाद में उसको एक एरिया के साथ एक्सक्लूड कर सकते हो, अपनी पर्सनल इच्छा, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको थ्री दबाता हूँ, क्या दबाता हूँ, फिलहाल थ्री, ये देखो आया कर्व, ये स्मूथ शार्प करूंगा इसको, ठीक है, पहले इतना तक जाए, ठीक है? अब क्या किया, मैश टूल में गया, इंसर्ट एज लूप लिया, ठीक है, सपोर्टर लगा दिए, और जैसे थ्री दबाऊंगा तो देखो, ठीक है, वन दबाया कि भाई इधर तो लगा दी, इधर भी तो लगाना पड़ेगा, थ्री दबा देता हूँ दोबारा से, इधर एक और लगा दिया, एक लगाया इधर लगा दिया, आप जरा देखें तो देखो परफेक्टली सेट हो गया, कुछ समझ में आया अभिषेक जी, समझ में आ रहा है? नहीं इतना नहीं है, ये कर्व वाला कैसे हुआ ये सब नहीं अभी आया तो ठीक से, और जितना अच्छा, आपने ये जैड कर्व लूप वाला ऑप्शन कैसे हुआ एक ये बार देखिए, ठीक से बता। मैंने क्या किया, इसको ये सपोर्टर होते हैं हमारे, सपोर्टिंग एजेस होते हैं, जितना नहीं समझ में आया बताना मुझे, कहाँ से समझ में आया, ये एक्सट्रूड करना नहीं समझ में आया, यहाँ यहाँ तक आया था। तक आ गया था, हाँ, हाँ जी यहाँ पे मैंने थ्री दबाया, ये देखो स्मूथ हो गया, थ्री मतलब स्मूथ के दिखाने का तरीका, ठीक ओके है? अब मैंने वन दबाया, मैंने उसे कहा कि मुझे कोना शार्प चाहिए, तो मैं मैश टूल में गया, इंसर्ट एज लूप लगाया और एक एज लगाई जस्ट इसके कोने के पास, बस एक एज लगाइए और थ्री दबाओ, ये देखो शार्प हो गई, ऐसे एक दूसरी लगाई तो वो देखो वहां पे शार्प कर दी उसने, ऐसे तीसरी लगाई तो नीचे से शार्प कर दी, ऐसे चौथी लगाई तो यहां से शार्प कर दी, अब समझ में आया? हाँ भाई अब मैं इसके पास गया तो देखो ये शार्प कर दिया, इसके पास गया तो इसने शार्प कर दिया, तो ये देखो तैयार हो गया, देखो अब थ्री दबाओ डायरेक्ट, देखो ठीक है, इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे खराब हो गई, मैं वापस वन दबाऊंगा क्योंकि मुझे यहां पे भी सपोर्टर चाहिए, ऑब्वियसली बात है, तो मैं स्टूल में जाऊंगा, इनसाइड आइज लुक, फर्स्ट टूल दैट, सेकंड लाइट, लेकिन अगर मैं यहाँ पे थ्री दबाऊंगा अब तो ये शार्प हो गए, ठीक है? तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा एक काम कर ले, क्या थ्री दबाएं एक बार, ठीक है, कर्व है यहाँ पे, हल्की सी लाइन है पीछे की तरफ होती है हल्की सी लाइन, तो मैंने क्या किया, इसको इस वाली लाइन को यहां लगाया, तो यहां तो ये शार्प हो गया लेकिन यहाँ गड़बड़ है, तो मैंने क्या किया, कौन सी लाइन पे वन दबा देता हूँ, कहां से, यहां से लेकर के कहां तक, यहां तक डबल क्लिक किया और दूर कर दिया, दूर करने से क्या हुआ, थ्री दबाओ, यहां से तो कर्व है,
लेकिन यहां से भी शार्प शार्प है। अब ऐसे ही मैं इधर से भी कर सकता हूँ, जैसे ये गोल आ रहा है ना, यहाँ गोल नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने वन दबाया फिलहाल, तो मैंने मेरे को क्या चाहिए, एक यहाँ चाहिए एक यहाँ चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं स्टूल में गया, इनसाइड आई लुक, इसके पास लिया जस्ट एक, ठीक है ले लिया, इधर गया डब्लू दबाया, सिर्फ कितना इतना एरिया यहां से लेकर के यहां तक, इसको फिर से दूरी तय कर दी। उसने क्या किया, जैसे इसको थ्री दबाऊंगा, यहां से तो स्मूथ है और यहां से भी स्मूथ हो गया, ओके ठीक है ना। वन दबाया सेम चीज, अब यहां से भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वही सेम चीज, मैस्टूल इंसर्टाइज लुक, तो मैं एक लगा देता हूँ यहाँ पे, एक लगा देता हूँ यहाँ, ठीक है। अगर आपको ये स्मूथ नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए हमें पता ही है, कैसे इसको पकड़ा, तो यहां से लेकर के कहाँ तक, यहां तक ऊपर की तरफ, यहां से स्मूथ और यहां से भी शार्प, आ रहा है ना समझ में अभिषेक जी, समझ में आ रहा है, हाँ यहाँ तक आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ठीक है। अब मैंने वन दबाया, फिलहाल मैंने वन तक ठीक है इसका हटा दिया, अभी मेमोरी को बनाना क्या स्टैंड, जैसे कि ये स्क्वायर वाला होता है, रेक्टेंगल वाला भी होता है, घूमने जैसे मर्जी हो आप बना सकते हो, सर्कल वाला भी होता है, आपकी पर्सनल इच्छा है। तो मैं कौन सा बनाना है, सर्कल या फिर स्क्वायर, स्क्वायर वाला, चलो ठीक है आजकल स्क्वायर ही चल रहा है, तो मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ लाइक दैट, साइज बराबर लेना पड़ेगा मुझे, तो इसकी हाइट तो मैं अपने हिसाब से ले सकता हूँ, लेकिन इसकी विड्थ एंड हाइट, विड्थ एंड डेप्थ बराबर रखने, तो 6x6 ये स्क्वायर बन गया, ये हमारा स्क्वायर, ठीक है ना। अब कोना कोना स्मूथ है, ये चीजें बीच का जो हिस्सा है जिसमें स्टैंड है वो अलग से बनता है, ये आपको भी पता होगा, ठीक है, और इसके अंदर बीच में होल होता है। तो मैंने क्या किया, एक प्लेन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एक प्लेन बिल्कुल स्क्वायर शेप में, शिफ्ट दबाऊंगा प्लेन बिल्कुल स्क्वायर आएगा, ठीक है। और मैंने एक एजली काम सेम, ठीक है, ट्रेवल किया दोनों पकड़ा, आर दबाया किया लाइक, कितना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, फिर यहां से भी गया रिंग सेम ट्रेवल, आर किया, और ये लगभग कितने पर ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे भी एक रिंग लगा देता हूँ इस कोने में, ऐसे भी लगा सकते हैं, या फिर सीधा का सीधा इंसर्ट आइज लूप लगाओ, क्लिक एंड क्लिक, क्लिक एंड क्लिक, जितना भी चाहिए तुम्हें, जब आप मेजरमेंट अपने हैंड से ही लगा रहे हो तो यहाँ से भी ले सकते हो ना अपने हैंड से, क्यों ले सकते हो ना। मैं टॉप पे गया, किसको गया, फोकस किया, ये मेरा फोकस है ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या करना है, मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, और इसको पकड़ा, दोनों पकड़ा, थोड़ा सा बीच में लिखाया लाइक इतना, आर दबाया थोड़ा पतला, तो समझ में आया गोला, ठीक है, वर्टेक्स मूव कर रहे हो, हाँ, ताकि मैं इसको बिल्कुल कर्व कर सकूं। मैथ्स में तो ये टेम्पर भी हो जाएगा, टेम्पर्स हो जाता, लेकिन यह होता है कि टेम्पर में ट्रायंगल बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और मैं ट्रायंगल नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर हमारे प्रोजेक्ट में ट्रायंगल आ जाएगा तो शेड खराब हो जाएगी, अगर लाइट या कुछ सोर्स लगाएंगे तो वहां पे डेप्थ अलग से दिखेगी, इसलिए इसी तरीके से बहुत अच्छा तरीका है। और भी तरीके बताऊंगा, अभी पहले इससे कर लेते हैं क्योंकि हमारा भी फ्रेशिंग टाइम है, और भी बहुत से तरीके हैं। अब फेस पकड़ा, इसको मार दिया डिलीट, ठीक है, फिर इसको क्या किया, पर्सपेक्टिव में गया और शिफ्ट के साथ मैंने कर दिया इसको एक्सट्रूड, और ब्लू वाली जोन को थोड़ा बढ़ा दिया, लगभग इतना बढ़ा दिया, एक मिनट होल्ड करना, ठीक है, यहाँ पे हमारे देखो। अब इसी चीज को उससे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ब्रिज मारना पड़ता है, शूट करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, और ऊपर नीचे हो जाता तो और ज्यादा दिक्कत होती, तो बेटर देन ये ठीक रहेगा हमारे लिए, ठीक है, हो गया। अब मैंने इसमें क्या लगाना, वही सेम चीज है, मैं स्कूल में गया इनसाइड आइज लुक लाइक दैट लाइक, अब इधर भी लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये भी बिल्कुल शार्प चाहिए हमें, बिल्कुल शार्प चाहिए, थोड़ा सा कर्व चलता है लेकिन इतना नहीं हो कि गोल ही हो, तो गोल खराब ही करता है, ठीक है, ये सपोर्टर इसलिए दे रहा हूं कि गोल ना हो, ठीक है,
अगर मैं इसको 3 दूंगा तो देखो ये गोल हो रहा है ना बीच में, ये नहीं होना चाहिए। तो कैसे करूंगा अब मैंने इसको तो दे दिया, अब इनको भी दे दूंगा किसको, यहाँ पे ये रखा हुआ अंदर की तरफ है क्यों नहीं समझ में आ रहा, तो श्वास पूछ लेना प्लीज। ठीक है अब 3 दबाओ, देखो गोल हुआ, ठीक है ना इस तरीके से। अब मैंने कहा एक और 3 दबाओ, मतलब एक और मतलब वो दबाओ जी, क्यों क्योंकि मुझे यहां से लेना पड़ेगा, हल्का सा कर्व है यहाँ पे भी, अभी देखो इसको भी शार्प लेना, तो एक लिया यहाँ से, एक लिए यहाँ से, सेम यहाँ पे भी। ये सपोर्टर ही बहुत ज्यादा पॉलीगन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है देखो आया समझ में, कोना देखो बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है अब क्या करना है हमको, ये तैयार हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, दिख रहा है हमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब मैंने क्या करना है, इसको लेना है टॉप व्यू में, ले लिया एक छोटा सा एक बॉक्स यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है तैयार कर दिया पर्सपेक्टिव में, ठीक है वर्टेक्स पकड़े और इसको लेके से लगे हुआ ऊपर, लेकिन ये होता है थोड़ा सा पतला, ठीक है और ये इस तरह से फिट हो सकता है, आगे की तरफ होता है सपोर्टर। अब यहाँ पे भी वही चीजें लगा सकते हैं हम मैशूर में जाके इनसाइड आइस ग्रुप, ताकि देखो यहाँ पे 3 दबाओ तो ऐसा हो जाएगा, और ये देखो इसको शार्प करेंगे क्योंकि बिल्कुल शार्प होता है। ठीक है फिर दबाओ देखो बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, और इसको पकड़ के अब हमने उल्टा कर दिया था, कोई बात नहीं कंट्रोल जी करो ग्रुप हो जाएगा, लेकिन ग्रुप में इसमें फायदा ये रहता है ये अनग्रुप तुरंत हो जाता है, एरो की दबाओ तुरंत ग्रुप हो जाएगा। रोटेट करो कितना डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है एरो डब्लू और यहां पे सेट कर, हो गया 1 दबाया। मैंने कहा इसका वर्टेक्स थोड़ा और ऊपर ले लो भाई, ये बहुत नीचे है, ठीक है ना, तो मैंने इसको यहां रख लिया और ये देखो, ठीक है अब इसका साइज और इसका साइज हम बढ़ा सकते हैं, आर करो थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है और वही वापस से वर्टेक्स इसका नहीं सिर्फ इसके थोड़ा नीचे की तरफ लाइट इतना ठीक रहे, मैंने इस तरह से बना लिया। अब मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर लिया, ठीक है यहां पे मैंने लगाया फेस, देख रहे हैं मेरे को फेसेस कितना चाहिए मुझे, यहां पे दिख रहा है यहां से, कहां से यहां से चाहिए मुझे इससे लेकर के कहां तक, यहां तक डबल क्लिक, फिर नीचे तक भी डबल क्लिक चाहिए ऑब्वियसली बात है, क्यों कर रहा हूं डबल क्लिक कलेक्शन पैदा करने के लिए यार, ठीक है कर दिया। अब मुझे ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी, और ये तैयार हो गया हमारा फ्रेंड, तैयार हो गया। अब मैंने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, यहां होता असाइन फेवरेट मटेरियल, तो ब्लिन लगाना है लैम्बर्ट लगाना है मर्जी आपकी, ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, ब्लिन लगाऊं लैम्बर्ट लगाऊं, लैम्बर्ट लगा देता हूँ, लैम्बर्ट के पास में मैंने लगा दिया AI स्टैंडर्ड सरफेस,
लेकिन यहाँ देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वापस करें, यहाँ देखो थोड़े से छूट गया। ठीक है, हम डायरेक्ट उसके मटेरियल में मत नहीं जा रहे, हमने बिलेन या लैम्बर्ड में जाके, लैम्बर्ड में जाना है, और यहाँ होता है एआई स्टैंडर्ड सरफेस, यानी आर्नोल्ड स्टैंडर्ड सरफेस। ठीक है, अब वेट है, कलर है, अपनी मर्जी है। मैंने यहाँ पे गया इस पे इमेज पे और सीधे मैं कोई भी इमेज, ठीक है, तो मैंने इसके सारे फेसेस सेलेक्ट किए और मैंने इसको क्या किया, राइट क्लिक करके असाइन किया लैम्बर्ड, लैम्बर्ड में लगा दिया मैंने स्टैंडर्ड सरफेस। वहां पे फोल्डर पे गया, कलर पिक करके यहाँ पे इमेजेस डाउनलोड, जो भी इमेजेस हैं, डेस्कटॉप से लेना है डेस्कटॉप से ले सकते हो, जो भी आपका ऑब्जेक्ट चाहिए, या फिर डॉक्यूमेंट में जाके डाउनलोड में जाके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, माई कंप्यूटर में चला जाता हूँ और किसी और ड्राइव में चला जाता हूँ, ताकि उस ड्राइव में जाके से उसको मैं खोल सकूँ, किसी भी इमेज को लगा सकता हूँ। तो मैं सॉफ्टवेयर के अंदर ही जो वर्क है इस पे चला जाता हूँ, इसमें तो जो भी इमेजेस देखनी है मेरे को, इसमें से कुछ भी लगा सकता हूँ। ठीक है, ये सारी अच्छी नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड कर दिख रहा है, ये ठीक है। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, आपकी पर्सनल है। ठीक है, ये लगा देता हूँ। ठीक है, लगा के ओपन किया। ठीक है, एंड द प्रेस इज 6। अब 6 प्रेस किया, यहाँ पे आ तो गई लेकिन सही से नहीं दिख रही, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, यूवी में गया, यू एडिटर, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा एक टाइम पे। ठीक है ना, अभी फिलहाल उतना ले रहे हैं हम जितने में हमारा काम हो जाए। तो फेस लिया वापस से, आपको पता लगी कि ये कौन सा फेस है। तो मैंने क्या किया, पहले इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा और यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यूवी में जाके ऑटोमेटिक। ये देखो थोड़े से इमेजेस आ गए ना। ठीक है, आप वापस से फेस पे सेलेक्ट करके वापस से जा सकते हो, आप कितना जाना है देखो, बिल्कुल कोने कोने तक। ठीक है, वही सेंसेस। अब आप कहोगे कि इसमें क्यों कर रहे हैं, तो वो मैं बताऊंगा, इसको कर रहा हूँ इसलिए क्या कर ले। हो रहा ना, लिया और दबाया कंट्रोल शिफ्ट आई इनवर्स सेलेक्शन, उसको छोड़ के बाकी सब सेलेक्ट हो गए। ठीक है, और यहां दबाया राइट क्लिक असाइन लैम्बर्ट, लैम्बर्ट में कोई भी कलर लगा सकता हूँ, जाए चाहे वो भी लगा सकता हूँ, तो मैंने ब्लैक कलर लगाना चाहूंगा। देखो यहाँ पे मेरा स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, आप इसको यूज कर सकते हो ग्लो करने के लिए, पर मैं अभी फिलहाल इसको हटा देता हूँ। रिफ्लेक्शन नहीं चाहता, मैट फिनिश नहीं चाहता, और डिफ्यूज है हमारे पास, देखो हैवी कर देता हूँ, थोड़ा सा एम्बेड कलर डाल देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही इधर भी लगा सकता हूँ राइट क्लिक करके, मेरे को चाहिए यही मटेरियल, तो लैम्बर्ट है, ये स्टैंडर्ड है, ये 4 वाला, फिर से अप्लाई कर दूंगा, तो ये देखो बिल्कुल साफ हो गया। टीवी हाँ ठीक है, और अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं, हमारा ब्लैंक आ रहा है, तुम कुछ दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे होता है आर्नोल्ड, आर्नोल्ड में जाएंगे लाइट, लाइट में होता है स्काई डॉम, इसको अप्लाई कर दो, ये आ गया स्काई डॉम, और यहाँ पे रेंडर करेंगे तो आपकी लाइट शो हो जाएगी। और आप चाहते हो उसी स्काई डॉम में थोड़ा सा अच्छा सा दिखे, मतलब कुछ चीजें दिखे, तो मैंने कहा इसको पकड़ा, फिलहाल राइट क्लिक टू असाइन मेटेरियल एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हो। यहाँ पे कलर दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, फाइल में जाओ, फोल्डर में जाओ,
ऑब्वियसली बात है, मैं वर्क में जाना पसंद करूंगा कि मेरे पास वहाँ पे कुछ SDRI images रखते हैं। SDRI यानी कि हाई डेफिनेशन images होते हैं जो मतलब संगीत सेट कर दी जाती है, ठीक है ना। तो मैं ये लगा लेता हूँ, ओपन किया, और आप देखेंगे कि आपकी कुछ किस प्रकार से एक रेंडर दिख जाएगा, ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा इसमें लगेगा, लेकिन ये देखिए लुकअप देखिए, ठीक है। अभी यहाँ पे शार्पनेस आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी स्मूथनेस नहीं लगाई है, तो मैंने सबको सेलेक्ट किया, ठीक है। मैश में जाऊंगा, यहाँ होता है स्मूथ, मैं इसको स्मूथ करूंगा, स्मूथ जैसे ही करूंगा ये सारी सारी चीज स्मूथ हो जाएंगे, और फिर रेंडर मारोगे तो और अच्छी तरह आएंगे। पहले देखो शार्प आ रहा था, अब देखो प्रॉपर कर्व आ रहा है। समझ में आया अभिषेक जी? जिसको करना पड़ेगा तो पूरा कर पाता नहीं, बहुत कुछ है।